तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो रिकवर क्यों नहीं हो रहा है, जबकि आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट रिकवर हो सकता है। बस दोस्तों आपसे स्टार्टिंग के एक मिनट मांगूंगा और इसके अंदर आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा और फिर आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको रियल में कैसे अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट रिकवर करना है। और दोस्तों आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है डिसेबल हो गया है तो अभी तक आपने हजारों वीडियो देख ली होंगी, और अगर मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट डिसेबल हो जाता तो दोस्तों मैं भी अभी तक जो है हजारों वीडियो देख चुका होता, लेकिन दोस्तों उनका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि आपने जो ट्रिक अप्लाई की है उसमें दोस्तों जहां पर आप फॉर्म वगैरह सबमिट करते हो वहां पर आपसे जो है एक गवर्नमेंट आईडी डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगा जाता है कि अपनी एक पिक यहां पर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ की ऐड करिए और अपनी जो सारी डिटेल्स है वो ऐड करिए, लेकिन दोस्तों वहां से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट ही नहीं होती है और ना ही आपकी जो आइडेंटिटी है वो कंफर्म हो पाती है, और फिर इसीलिए आपका जो अकाउंट है वो रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों आपका जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ में नेम्स वगैरह होते हैं वो आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि आप जो है बिल्कुल प्रोफेशनल नेम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रखते हो जो कि आपके गवर्नमेंट प्रूफ से बिल्कुल 1% भी मैच नहीं खाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो आपकी आइडेंटिटी है वो कंफर्म नहीं हो पाती है और आपका जो अकाउंट होते हैं वो रिकवर भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों एक महीने पहले मेरा खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हो गया था और जो है मेरे नेम वगैरह बिल्कुल मेरे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ से मैच कर रहे थे और मैंने अपनी जो पिक वगैरह सबमिट की थी मेरा अकाउंट जो है रिकवर हो गया था, लेकिन अगर आपके नेम वगैरह मैच नहीं करते हैं अपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ से तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए इसी लेकर के आया हूं ताकि आप बिना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ के भी अपना जो अकाउंट है उसे रिकवर कर पाओ। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आई होप आपने समझ लिया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्यों आपका अकाउंट अभी तक रिकवर नहीं हो पाया। तो दोस्तों वीडियो पर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहना क्योंकि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि दोस्तों गौरव यूनिक ट्रिक्स चैनल पर आपको सोल्यूशन मिलता है, कन्फ्यूजन नहीं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं अपनी उस ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुल दो ट्रिक बताने वाला हूं और दोस्तों उन दो ट्रिक को जो मैं अप्लाई करूंगा वो आपको साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाई देते रहेंगी, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आपको जो है इंस्टा को फॉलो करना है। तो दोस्तों मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया और यहां से मैंने वीडियो को भी स्टार्ट कर लिया, तो दोस्तों यहां से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और हो सके तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वॉच कर लेना। तो दोस्तों अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर करवाने के लिए हमें जाना होगा सबसे पहले अपने गूगल में, और दोस्तों गूगल में आने के बाद आपको नॉर्मली सर्च करना है माय इंस्टाग्राम अकाउंट वॉज डिसेबल। तो दोस्तों आप जैसे ही माय इंस्टाग्राम अकाउंट वॉज सर्च करोगे तो आपको ना तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है ना ही आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर जाना है, आपको नॉर्मली आना है थोड़ा सा नीचे और यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर का। तो दोस्तों आपको नॉर्मली इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप जैसे ही इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर कोई भी हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें हमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ ऐड करने के लिए कहा गया हो, लेकिन दोस्तों ये काम करेगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर करवाने के लिए, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि आप क्यों मतलब अपने अपील करना चाहते हो अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिसेबल होने के लिए बचाने के लिए क्यों आप अपील करना चाहते हो। तो दोस्तों यहीं से आपको अपील करनी है और अपील में भी आपको क्या लिखना है वो सब कुछ मैंने अपने नोटपैड में लिख करके रखा हुआ है, सब कुछ आपको यहां पर जो है पेस्ट वगैरह करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आपको यहां पर क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। तो दोस्तों हमें जो सबसे पहला स्टेप देखने को मिलता है वो दिखता है फुल नेम का, फिर दिखता है यूर ईमेल एड्रेस का, फिर दिखता है यूर इंस्टाग्राम यूजर नेम का, फिर आता है यूर मोबाइल नंबर और फिर आता है डिस्क्रिप्शन का। तो दोस्तों यहाँ पर कुल जो है 4-5 स्टेप हमें फिल करने हैं और दोस्तों वो कैसे फिल करने हैं, आपको फर्स्ट नेम में क्या लिखना है जो आपके मतलब फुल नेम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है गौरव ठाकुर, तो दोस्तों आपका नेम क्या है, आप क्या मतलब अपने सरनेम लगाते हो वो आपको फुल नेम यहाँ पर एंटर करना है, सरनेम जो कंपलसरी है यहाँ पर आपको नेम के बाद अपना सरनेम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों अपना ईमेल एड्रेस, अगर आपको पता है कि आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट में कौन सा ईमेल एड्रेस ऐड था तो दोस्तों अच्छी बात है, आपको वही ईमेल एड्रेस यहां पर ऐड करना है, अदरवाइज आप यहां पर कोई फ्रेश ईमेल एड्रेस भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों फ्रेश ईमेल एड्रेस यहां पर मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि इसी ईमेल के थ्रू जो है इंस्टाग्राम आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, आपको इसी ईमेल पर बता देगा कि आपका जो अकाउंट है वो रिकवर होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इसलिए यहां पर आपको ईमेल एड्रेस डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है दोस्तों यूर इंस्टाग्राम यूजर नेम, तो दोस्तों यूजर नेम बिल्कुल कंपलसरी है, यूजर नेम आपको बिल्कुल राइट पता होना चाहिए, आपके यूजर नेम में डॉट था, लाइन थी, एरो थी, जो भी था बिल्कुल एज इट इज आपको अपना यूजरनेम यहां पर एंटर करना है, अदरवाइज अगर आप यहां पर गलत यूजरनेम एंटर करोगे तो आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस इंस्टाग्राम यूजर नेम के थ्रू जो है ये रिक्वेस्ट आई है और कौन सा अकाउंट रिकवर करना है। तो दोस्तों यूजर नेम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों मोबाइल नंबर, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट में मोबाइल नंबर भी ऐड होता है और ईमेल एड्रेस भी ऐड होता है, तो दोस्तों यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करवाना है, तो आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में था, अदरवाइज नहीं है तो आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है यहां पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन,
तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में क्या एंटर करना है वो मैंने नोटपैड में लिख करके रखा हुआ है, और दोस्तों वो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उसे आसानी से देख सकते हो। और दोस्तों हो सके तो आप क्रोम में मेरी वीडियो वॉच करना और डिस्क्रिप्शन में से जो है वो लाइन को कॉपी कर लेना, बहुत आसानी रहती है वहां से। तो दोस्तों मैं फटाफट से इनको फिल कर देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो मैं फटाफट से पहले इन्हें फिल कर लेता हूं। सो गाइस मैंने अपना जो सारा फॉर्मेट है वो यहां पर तैयार कर लिया है। अब आपको नॉर्मली क्या करना है यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि मैंने यहां पर लिखा क्या है। दोस्तों मैंने यहां पर लिखा है, हेलो डियर इंस्टाग्राम टीम, माय इंस्टाग्राम अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड एंड आई एम अ रेगुलर यूजर ऑफ इंस्टाग्राम एंड दिस अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज दिस अकाउंट इज लिंक्ड माय अदर सोशल प्लेटफॉर्म, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिकवर माय अकाउंट एज सून एज पॉसिबल, आई एम वेटिंग यूर रिप्लाई, थैंक्स एंड रिग्रेट। और दोस्तों लास्ट में यूजर नेम, आपको जो है सारी की सारी डिटेल्स जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आपको फिल करना है, और लास्ट में ये फॉर्मेट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एंटर करने के बाद आपको लास्ट में अपने अकाउंट का जो यूजर नेम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ से इसे सेंड कर देना है। मैं इसे सेंड नहीं करूँगा क्योंकि दोस्तों मैंने जो है अपना ऑलरेडी अकाउंट जो है रिकवर करवाया हुआ है, अगर मैं इसे सबमिट करूँगा तो दोस्तों क्या पता मेरे अकाउंट पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन दोस्तों आपको जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे सेम टू सेम आपको जो स्टेप है वो यहाँ से फॉलो करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो दूसरा जो मतलब तरीका है वो आपको क्या अप्लाई करना है। तो दोस्तों आपको जाना है अपने इंस्टाग्राम में, और दोस्तों इंस्टाग्राम में आने के बाद आपको नॉर्मली यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, गेट हेल्प लॉगिंग इन या फॉरगेट योर लॉगिन डिटेल्स। तो दोस्तों मैंने गेट हेल्प लॉगिंग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया है, और आप देख सकते हो मेरे सामने एक जो इंस्टाग्राम का यूजर नेम है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों आपको नॉर्मली क्या करना है, यहाँ पर किसी भी अकाउंट का जो है यूजर नेम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका जो मतलब डिसेबल फेसबुक सॉरी इंस्टाग्राम अकाउंट है वही यूजर नेम यहाँ पर होना चाहिए, नहीं दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई सा भी यूजर नेम यहाँ पर सर्च करना है, उसके बाद आपको नॉर्मली नीड मोर हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही नीड मोर हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ फोन नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह शो होने लग जाएंगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है ट्राई अनदर वे, तो आपको नॉर्मली ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है फोर्थ नंबर पे, माय अकाउंट वाज डिसेबल्ड। तो दोस्तों आपको नॉर्मली इस पर क्लिक करना है, और आप जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको नॉर्मली ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहां पर आने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिंपल स्टेप यहां पर फॉलो करना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है वाज दिस हेल्पफुल, तो दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, द सॉल्यूशन डजंट वर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों ऑप्शनल में हमने जो अभी वहां पर पेस्ट किया था सेम टू सेम आपको जो है यहां पर पेस्ट कर देना है। और दोस्तों पेस्ट करने के बाद आपको लास्ट में अपना यूजर नेम देना है, उसके बाद दोस्तों आपको नॉर्मली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सबमिट कर देना है। और दोस्तों आपको जो है यहां पर दो दिन लगेंगे इंस्टाग्राम की तरफ से रिप्लाई आने में कि आपका अकाउंट रिकवर होगा या नहीं होगा। दोस्तों आपको दो दिन वेट करना है, बिल्कुल वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों जो आपने ईमेल एड्रेस वहाँ पर एंटर की थी उसी ईमेल एड्रेस पर जो है आपको रिप्लाई आएगा। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको कोई ऐसी ईमेल एड्रेस वहाँ पर एंटर करनी है जो एक्टिव हो, जिस पर जो है आपको रिस्पॉन्स वगैरह जो है मिल जाए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों इसी ट्रिक से मैंने भी अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को रिकवर करवाया था आज से एक या डेढ़ महीने पहले। तो दोस्तों यही वो ट्रिक थी जो मैंने आज आपको बिल्कुल रिवील कर दिया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।